तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा शाइनी साशा? बहुत अच्छा रहा दादाजी, हमने बहुत कुछ सीखा। तुम्हारे नए टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दादाजी, उन्होंने पूछा कि हम छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो तुमने क्या कहा शाइनी? इसने कहा कि हम छुट्टियों में पेरिस गए। ओ, पेरिस? तुमने झूठ क्यों बोला शाइनी? दादा जान, सभी अच्छी अच्छी जगहों पर गए तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं बेटा। चलो मैं तुम्हें पर्वत नाम के एक तोते की कहानी सुनाता हूँ। ये हम कहानी सुनेंगे। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था बक बक। बक बक को बात बढ़ा चढ़ा कर बताने की बहुत बुरी आदत थी। बहुत बड़ी पार्टी थी वहाँ, अरे बहुत मजे मजे का खाना था, बहुत मजे का। सच में? कहाँ पर? एक बहुत ही भले आदमी के घर पर। वो बहुत अच्छा है, बहुत महंगे तोहफे देता है। लेकिन बक बक, मैंने तो तुम्हें सूखी मिर्ची खाते देखा। पता है मेरे पास तुम जैसों के लिए वक्त नहीं है, मुझे एक और दावत पर भी जाना है, चलता हूँ, बाय। उसकी बात मत सुनो, वो झूठा है। लेकिन बक बक ने खुद को नहीं बदला और वो इसी तरह डींगे मारता रहा। पता है मैं एक बार ईगल से भी ऊंचा उड़ा था। शेर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे पास इतना खजाना जमा है कि मैं उससे पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। कोयल ने एक बार मुझे कहा कि मैं उससे बेहतर गाता हूँ। एक दिन एक कबूतर उस तरफ आया। कितने सुंदर पक्षी हो, कौन हो तुम? मैं कबूतर हूँ और मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ओ कवे भैया, कोयल देखो तो हमारी तरफ कौन आया है, कितना सुंदर मेहमान है। बहुत ही प्यारा पक्षी है। बहुत सुंदर पक्षी है, अच्छा लगता है। ये कौन है? नंबर पर कौन है? हाँ, सही सुना, तुमने मेरे बारे में सुना है? हाँ, दरअसल देखा तुम सभी ने मेरा कितना नाम है, बल्कि बाहर वालों ने भी मेरे बारे में सुना है। पता है मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ कबूतर, और हाँ मुझे एक बार ब्यूटी पेन भी मिला था। अच्छी बात है, मगर मेरी बात तो, मैं बहुत ही अमीर पक्षी हूँ, इस जंगल में सबसे अमीर मालूम है। सुनो तो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसे ही नहीं है, इसके पास पहले ही बहुत कुछ है। ये क्या कहना चाहते हैं? यही मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए शाही नौकर ही रहते हैं, कि तुम महल में आना, महल में खाना और रहना, पर लगता है उन्होंने अब अपना मन तुमसे बदल लिया है। पर मेरे पास तो कुछ नहीं, अब जाने भी दो, मैं अब चलता हूँ। ऐसे ही होता है जब डींगे मारते हो तो। देखो बच्चों, तो झूठ बोलने का नतीजा। मैंने अपना सबक सीख लिया दादाजी। तो चलो छुट्टियों में देखते हैं हम पेरिस जा सकते हैं या नहीं। हाय, मेरा नाम है शाइनी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा।